यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मेरी चैनल रंगीन रहा है, आप सबका आभारी है, मैं भी आभारी हूँ। मैं विपिन कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, जैसे कि फिल्मों के बारे में, कुछ कहानियों के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी एक्टर के बारे में। तो दोस्तों, आज दो महान एक्टरों की बात करेंगे, जब एक का उदय हो रहा था और एक का अस्त हो रहा था। यानी लवर बॉय जो नीचे की ओर जाने वाले थे और एंग्री यंग मैन उभरते हुए आ रहे थे। उगता सूरज था और एक डूबता सूरज। दोस्तों, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। आप समझ तो गए होंगे मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपने सच समझा, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बारे में। दोनों ने बहुत सी फिल्मों में साथ में काम किया, आनंद में काम किया था और भी बहुत सी फिल्मों में काम किया था। एक फिल्म आई थी नमक हराम, उसके बारे में कुछ कहूँगा। और उसके उस वक्त बनते हुए दोनों में अहम तो टकराते ही थे। कैसे अहम टकराने से क्या क्या हो जाता था। ऋषिदा यानी ऋषिकेश मुखर्जी उसके डायरेक्टर थे, वो उन्होंने क्या क्या पेतरे रखे जिसकी वजह से ये शूटिंग हो पाई। क्योंकि अहम तो बड़ी चीज़ है, पहाड़ से भी ऊंची और बहुत सी चीज़ों से ऊंची होती है। क्योंकि अहम एक बार आपके मन में घुस गया तो सामने वाला तुच्छ है, कुछ भी नहीं, या तो फिर मैं ही सच हूँ, मैं ही खरा हूँ। लेकिन उसमें से ऋषिदा ने कैसे मार्ग निकाला, रास्ता निकाला और शूटिंग फटाफट हो गई। दोस्तों, आज उस दिन की बात करते हैं जब ये नमक हराम की शूटिंग हो रही थी। दोस्तों, आइए मेरे साथ मेरी चैनल में। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि नीचे लोगो आ रहा है, और बाजू का सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दीजिए और बाजू का लाल बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इंटीमेशन मिलती रहेगी, सबसे पहले आप मेरे वीडियोज़ देख पाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमक हराम फिल्म की जब शूट हो रही थी तब की बात है। ऋषिदा ने दो कैरेक्टर उसमें थे, दोनों आर्टिस्टों को, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को कह दिया, आपको जो भी कैरेक्टर करना है आप खुद ही चुन लीजिए, आपको जो अच्छा लगेगा वो कैरेक्टर आप कीजिए। अमिताभ को भी कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो कैरेक्टर आप कीजिए। क्योंकि ऋषिदा को मालूम था कि बाद में कोई होगा जो बोलेगा कि उसकी कहानी, उसकी उसकी स्क्रिप्ट मुझसे ज़्यादा अच्छी थी, उसके डायलॉग्स मुझसे अच्छे थे, उसकी कहानी उस पर ज़्यादा चल रही थी। लेकिन दोस्तों, नमक हराम एक ऐसी फिल्म थी जो कि कल्ट फिल्म जिसे कहा जाता है, क्लासिक फिल्म कहा जाता है, क्योंकि वो फिल्म के डायलॉग्स मुँह पर चढ़ जाने वाले थे, गाने मुँह पर चढ़ जाने वाले थे, सीन्स एक एक पब्लिक को याद आते हैं। राजेश खन्ना और अमिताभ जी दोनों बड़े कलाकार, यानी दोनों टक्कर के कलाकार थे, एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। हालांकि कैमरा स्टार्ट होते ही जैसे वो कैरेक्टर में थे उसमें घुस जाते थे, लेकिन उसके बाद जैसे कैमरा ऑफ होता था, शॉट हो जाता था, उसके बाद तुम कौन मैं कौन न एक दूसरे के मुँह भी देखते थे। दोस्तों, ये थी कहानी अहम। जैसे कि सुभाष घई ने जब सौदागर बनाई थी तब दो बड़े दिग्गज कलाकार राजकुमार और दिलीप कुमार साहब को जो साथ में तो लिया था, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये फिल्म बनना बहुत मुश्किल है, या तो बनेगी तो बहुत साल गुजर जाएंगे। तो क्योंकि दोनों बड़े स्टार थे, दोनों ही बड़े स्टार थे, उतने ही बड़े उनके अहम थे, अहम तो बहुत ही गहरा था। दिलीप साहब भी अपनी जगह पर सही थे, राजकुमार को तो बहुत घमंड भी था और अहम भी था, हम राजकुमार है, ठीक है। तो उन दोनों को साथ में लेना यानी दो हाथियों को पालने जैसी बात हो जाती थी। वैसा ही कुछ ऋषिदा को भी हुआ था राजेश खन्ना और अमिताभ के साथ लेने से। दोनों को संभालना था, दोनों को संभाल के फिल्म भी अच्छी बनानी थी, कहानी भी अच्छी बनानी थी। लेकिन उस फिल्म की कहानी ही इस टाइप की थी, एक बहुत बड़ा पैसे वाला धनवान सेठ, धन्ना सेठ, और एक गरीब मजदूर काम करने वाला, मिल में काम करने वाला, ऐसे ओपोजिट कैरेक्टर थे। तो ऋषिदा ने तो दोनों को कह दिया कि आपको जो कैरेक्टर चाहिए दोनों अपने खुशी से ले लीजिए। तो उस वक्त राजेश खन्ना का अच्छा सितारा था, चढ़ता हुआ सितारा था, तो उसने सोचा कि जो फिल्म में हीरो मर जाता है तो
उसकी वाहवाही होती है, वो फिल्म भी अच्छी चल जाती है, उस कैरेक्टर को बहुत पसंद मिलती है, लोगों की बहुत वाहवाही मिलती है, बहुत तालियां मिलती है। और अमिताभ बच्चन को लगा कि जो अमिताभ का जो कैरेक्टर था पैसे वाला, बड़े मिल मालिक का बेटा बना हुआ था, उसको भी ये लगा कि शायद ये मैं कैरेक्टर करूँगा तो पब्लिक की वाहवाही मुझे मिलेगी, क्योंकि उसे मालूम था कि एंड में जो उसमें जो भी डायलॉग्स है, क्योंकि अहम तो टकराते लेकिन एंड में जब हर लोगों मतलब उस आखिर तो उनका दोस्ती था राजेश खन्ना, यानी उनका जो कैरेक्टर था वो दोस्ती था, लेकिन अहम टकराते थे, मैं बड़ा हूँ, पहले दोनों की दोस्ती दिखाई है, दोनों में इतना प्यार दिखाया है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना गरीब लोगों की चाल में, मतलब का मेहनत मजदूरी करने वाले के उसमें कैरेक्टर में था, तो उसमें चला गया, तो राजेश तब अमिताभ बच्चन को अहम आ गया, बीच में आ गया, क्योंकि वो मिल मालिक था, बड़ा इससे बड़ा था, तो वो अहम बढ़ते 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 दोनों में दूरियां बढ़ गई। लेकिन एंड में उसने कहानी पढ़ी थी अमिताभ ने, कि एंड में वो कैसे अपने दोस्त को बचा लेता है और सभी के सामने आके खड़ा हो जाता है, जब मारने मरने पे सब तुले हुए थे उनके बीच में आके, क्योंकि सब लोग तो यही सोचते थे कि ये पैसे वाले यानी ये लोग ने ही भेजा है उसे मारने के लिए, अमिताभ को अमिताभ ने ही भेजा है राजेश खन्ना को ख़त्म करने के लिए, यानी अमिताभ के फादर ने भेजा था राजेश खन्ना को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा लीडर बन गया था और उसके सामने अमिताभ बोना लग रहा था। तो दोस्तों एंड तो आपको मालूम ही है, एंड में राजेश खन्ना जी मर जाते हैं, लेकिन ये जब सीन शूट हो रहा था तो एक बड़ी बात ये हो गई कि अमिताभ को कुछ खलने लगा था कि ये तो पूरा सीन राजेश खन्ना ही ले जाएगा, वाह वाह ही वही ले जाएगा, तालियां वही बटोर लेगा, सब कुछ पब्लिक उसकी तरफ हो जाएंगी, क्योंकि वो मर जाएगा तो सिंपथी मिलेगी पब्लिक की। तो उस दिन ऋषिता ने शूट पे बुला लिया, अमिताभ बच्चन का एक अच्छा था कि 9 बजे की शिफ्ट हो तो 8:45 बजे आके बैठ जाते थे, लेकिन उस दिन ऋषिता कुछ 10:30 बजे आए और सीन की तैयारी सब शुरू कर दी। तो बाहर के जहाँ पे रूम में फ्रेम लगानी थी, तो राजेश खन्ना की फ्रेम लगाई थी और उस पर हार चढ़ा हुआ था, चंदन का हार, यानी कोई मर जाता है तो चंदन का हार जैसे हम लगाते वैसा लगाया हुआ था। वो देख के अमिताभ को ये लग गया कि ये तो पूरी फिल्म उसकी तरफ हो गई है, तो वो अपने मेकअप रूम में जाके दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बहुत से लोग आए, सर जी आइए बाहर शूट होने वाला है ये, लेकिन ऋषिता ने अपने आदमी को भेजा तो उनके सामने भी वो आए नहीं और बिदक के बैठ गए, यानी चुपचाप बैठ गए, कुछ बातें नहीं की, कि ऋषिता को लगा कि इसे कुछ एंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऋषिता ने एक अपनाया रास्ता, उन्होंने बहुत गुस्से से दरवाज़ा ठकठकाया और कहा कि अमिताभ बाहर आ जाओ, तुम्हें ये सीन करना था तो ये सीन कर लेते, मैं एंड बदल देता हूँ, राजेश खन्ना को ये करूँगा और आप मर जाओगे, ये वो सीन कर लेता हूँ, आप वही चाहते हो ना, तो बोलता हाँ। लेकिन ऋषिता ने कहा मैंने जो मन में सोचा है वही मैं करूँगा, अगर आप लोग नहीं माने या तो आप नहीं मानोगे तो मैं ये फिल्म ही बंद कर दूँगा, ये फिल्म बंद डिब्बा बंद हो जाएगी। ये धमकी का असर अमिताभ पे हुआ, वो तुरंत ही मेकअप रूम से बाहर आए, वो सीन उन्होंने किया। लेकिन देखिए एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती, राजेश खन्ना का दौर उस वक्त थोड़ा नीचे की तरफ चल रहा था और सभी पब्लिक की नज़र में उनकी 2-4-7 फिल्में एक साथ फ्लॉप हुई थी, तो अमिताभ को चांस अच्छा था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो वो सीन जो था जिस एंड में राजेश खन्ना मर जाता है और अमिताभ आते हैं वहाँ झोपड़पट्टी में आते हैं और सब लोगों के सामने खड़े होके बोलने लगते, कौन है, किसने इसे मारा है, कौन है, मेरे दोस्त को ये करने वाला ये कर, जो भी डायलॉग था वो बोल दिया, तो पब्लिक को सिंपथी मिल गई कि इतना बड़ा आदमी एक गरीब मजदूर के लिए लड़ने आ गया है हम लोग से, यानी उन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा। तो ये बात हो गई तो पब्लिक की वाहवाही
उनकी तरफ चली गई, यानी आखिर फ़ायदा तो अमिताभ को ही हुआ, लेकिन अमिताभ जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन फ़ायदा अमिताभ को मिल गया, पब्लिक उनकी तरफ हो गई और इस फिल्म के बाद अमिताभ का झंडा ऊंचाई पे चढ़ गया और उसकी उनकी जो कामयाबी की मंजिल तय कर रहे थे एक कदम और एक पायदान ऊपर, ऐसे कामयाबी की तरफ पहुंचने लगे। तो दोस्तों, राजेश खन्ना का घमंड ही बीच में शायद आया होगा, तो इसकी वजह से वो नीचे ही चले गए। अमिताभ उभरता हुआ सितारा बन गया, उसके बाद जंजीर भी आई और एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ और लवर बॉय का जन्म ख़त्म होने वाला था, उनका दौर ख़त्म होने वाला था और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे मालूम कैसी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही दूसरी कुछ बातें शायद आपको मालूम ना हो, मैं आपको बताऊंगा, तो ऐसा ही कोई वाक्या लेके आऊंगा और आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। दोस्तों नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, आई लव यू, न्यू फ्रेंड्स।